हे एवरीवन, वेलकम टू न्यू चैप्टर। सो आज का थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा, आज हम लोग एमसीक्यू के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि 10th का बोर्ड एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो गया है, 15 फरवरी से एग्ज़ाम है, तो उसी के रिगार्डिंग साइंस का जो है 80 क्वेश्चन आते हैं। 80 ऑब्जेक्टिव जो होते हैं, 80 का 80 ऑब्जेक्टिव का आज एमसीक्यू हम लोग देखेंगे। देखते हैं आज कितना सॉल्व कर पाते हैं आप लोग, और कहीं भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो क्या कहलाता है इसका, इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, द डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर आउटलाइन ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ सर्फिकल मिरर इज कॉल्ड। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गोली दर्पण का द्वारक। क्वेश्चन हो जाएगा डी इसका, गोली दर्पण का द्वारक। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन जो है दूसरा नंबर का, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होते हैं, मतलब उत्तल दर्पण, ऑप्शन है उत्तल दर्पण, बी में है अवतल दर्पण, सी है समतल दर्पण, उसके बाद डी इनमें से कोई नहीं। जैसे धनात्मक मतलब पॉजिटिव, ऋणात्मक मतलब नेगेटिव। जैसे एक्सिस अगर होगा, ये होता है एक्सिस, इस जगह से इधर का हो जाएगा नेगेटिव साइन में, और इधर यहाँ से इधर हो जाएगा पॉजिटिव साइन में, ये हो गया, और इससे ऊपर हो जाएगा पॉजिटिव साइन में, इससे नीचे हो जाएगा नेगेटिव साइन में, इस तरह से होते हैं एक्सिस। तो इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि किसका फोकस पॉजिटिव की तरफ होता है, धनात्मक की तरफ। जिसका फोकस पॉजिटिव की तरफ होगा उसका फोकस दूरी भी वही होगा, पॉजिटिव की तरफ है तो धनात्मक ही होगा। तो इनमें से उत्तल दर्पण है जिसका फोकस दूरी किधर होता है, धनात्मक की तरफ होता है, मतलब पॉजिटिव एक्सिस की तरफ होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। उस तरह से तीसरा नंबर क्वेश्चन, किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य सबसे बड़ा है। तो हम लोग जानते हैं लाल रंग का सबसे तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है, रिफ्लेक्शन, ये हो गया, इसका हो जाएगा रेड। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, चौथा नंबर, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर बनता है। सबसे आसान है, इंग्लिश में है तो ऑन विच पार्ट ऑफ द आई द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉल्स, किस जगह बनता है। ऑप्शन में है ए रेटिना, बी पुतली, सी कॉर्निया, डी आयरिस। ऑप्शन ए हो जाएगा, रेटिना में बनता है। कहाँ बनता है, रेटिना में। उसके बाद निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है, पानी में होगा या लोहा में होगा या कांच में होगा या निर्वात में। तो हम जानते हैं प्रकाश का चाल कहाँ जो सबसे अधिक होगा, जहाँ उसको रोकने वाला कोई नहीं होगा, निर्वात में, जहाँ अगर कोई भी माध्यम नहीं होता, जैसे लोहा है, लोहा ठोस माध्यम है, उसमें क्या होगा, प्रकाश का चाल कम होगा। पानी है, पानी लिक्विड ये है, स्टेट है, तो उसमें भी कम होगा। कांच है, कांच भी सॉलिड होता है, तो उसमें भी कम होगा। निर्वात में जहाँ हवा ही नहीं होगा, प्रकाश का मतलब रोकने वाला अवरोधक पैदा नहीं होगा, तो निर्वात में प्रकाश का जो चाल होता है वो सबसे अधिक हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, निर्वात में प्रकाश के चाल सबसे अधिक होते हैं। नेक्स्ट है, दूरदृष्टि वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। जिसको बीमारी होता है दूरदृष्टि का, तो वो देख सकता है साफ साफ कौन सा चीज़, निकट की वस्तु को देख सकता है या दूर की वस्तु को, या केवल छोटी वस्तुओं को, या केवल बड़ी वस्तुओं को। तो इनमें हो जाएगा, जिसको दूरदृष्टि होता है, सुनने में ही लग रहा है दूरदृष्टि, तो उसको केवल दूर की ही चीज़ें दिखाई देती है और नज़दीक की चीज़ें दिखाई नहीं देती। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, दूर की वस्तुओं को देख सकता है। नेक्स्ट है, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा, क्या हो जाएगा। एक अभिसारी किरण पुंज है जो कि समतल दर्पण पर आपतित होती है। समतल दर्पण होता है मतलब फ्लैट मिरर, ये जो होता है ना, ये हो जाएगा फ्लैट मिरर, सीधा होता है। इसमें जो अभिसारी किरण पुंज होगा, जो आने वाली है, वो हो जाएगा सीधा। तो इसका जो हो जाएगा किरण पुंज होता है समतल दर्पण जो होता है आपतित किरण, वो क्या होता है, परावर्तित किरण के समांतर होते हैं, इसी के समांतर क्या हो जाएगा, परावर्तित होकर फिर वापस लौट जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका समांतर, ये हो गया। ठीक उसी तरह से अगला है, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णिक किरण गुजरे तो
इसका क्या नहीं होगा? अपवर्तन तो होगा ही, विचलन होगा या नहीं होगा? ऑप्शन दिया हुआ अपवर्तन, विचलन, वर्ण विक्षेपण या इनमें से कोई नहीं। तो अपवर्तन तो होगा ही, जब भी परावर्तन होगा वहाँ अपवर्तन होगा ही, लेकिन प्रिज्म क्या होता है, विचलन नहीं होता है, छित्राता नहीं है। तो ऑप्शन डी बी हो जाएगा। उसके बाद वायु में कांच के उत्तल लेंस की वायु में शक्ति होती है। वायु में कांच के उत्तल लेंस की वायु में शक्ति होती है क्या? ऋणात्मक, धनात्मक, अनंत या इनमें से कोई नहीं। तो पॉजिटिव होता है, धनात्मक हो जाएगा। उसके बाद अगला है, जल की एक गोलीय बूंद में व्यास को अनुदिश आपतित किरण कितने बार में परावर्तन, कितने बार में अपवर्तन होगा? ऑप्शन दिया हुआ 1, 2, 3, 4। इसका ऑप्शन है बी है सही। आप इसे न्यूमेरिकल में भी बनाकर देख सकते हैं, ऑप्शन बी आएगा और आंसर कितना होगा, 2 ही होगा। नेक्स्ट है स्विच लगाए जाते हैं। 11 नंबर है स्विच लगाए जाते कहाँ? भूयोजित तार में, ठंडे तार में, गर्म तार में या इनमें से सभी में। स्विच जो होता है लाइट को ऑन और ऑफ करने वाला, किस में लगाया जाता है? भूयोजित मतलब अर्थिन में, या ठंडा वायर में, गर्म वायर में या इनमें से सभी में लगाया जाता है। तो कहाँ लगा? केवल गर्म तार में लगाया जाता है। उसके बाद सबसे आसान है, जूल बटे कूलाम कहलाता है। क्या कहलाता है? जूल बटे कूलाम किसका मात्रक है? वोल्ट का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक होता है क्या है? ऑप्शन दिया हुआ टेस्ला, फेराड, वेबर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक है टेस्ला, जिसको टी से डिनोट किया जाता है। उसके बाद 14 नंबर में, विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? ऑप्शन दिया हुआ ए में उसमें प्रभाव, बी रासायनिक प्रभाव पर, सी चुंबकीय प्रभाव पर, डी इनमें से कोई नहीं। इनमें जो होता है विद्युत घंटी जो होता है, इलेक्ट्रिक बेल, वो किस पर कार्य करता है? ऑप्शन दिया हुआ है चारों में से, इसका हो जाएगा सी, चुंबकीय प्रभाव पर यह काम करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनमो बदलता है। डायनमो किस चीज़ को बदलता है, किस एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? ऑप्शन दिया हुआ ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो डायनमो से हम लोग जानते हैं कि डायनमो से ही बिजली उत्पन्न किया जाता है, जैसे जनरेटर वगैरह होता है। तो इंजन रहता है उसमें लगा हुआ, और एक छोटा सा डायनमो लगा हुआ होता है। तो उसमें जो है एक चक्का के जैसा लगा हुआ होता है, वो चक्का क्या होता है, घूमता है, जिससे डायनमो के अंदर का जो पार्ट्स होता है वो घूमता है। जो भी चीज़ घूमने वाला होता है उसको यांत्रिक ऊर्जा बोला जाता है। तो उस चक्का को जो घुमाया जाता है, घुमाने के बाद क्या होता है, विद्युत पैदा होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कौन? डायनमो। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ऑप्शन हो जाएगा बी। उसके बाद अपवर्तनांक का रंग निर्भर, रंग पर निर्भर करना कहलाता है। 16 नंबर है, अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करना कहलाता है, प्रकीर्णन, अपवर्तन, परावर्तन या वर्ण विक्षेपण। इसका हो जाएगा डी नंबर, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। उसके बाद एक मोटर के पश्चदर्शी दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। मोटर कार जो होता है उसका जो मिरर होता है, उसमें जो पश्चदर्शी दर्पण होता है, उसका जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा बनता है? वस्तु से छोटा बनता है, या वस्तु से बड़ा बनता है, या वस्तु के बराबर बनता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा नंबर का बी हो जाएगा, वस्तु से बड़ा बनता है। नेक्स्ट है, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इनके सिरों के बीच विभवांतर का मान हो जाता है, क्या होता है? विद्युत, ए ऑप्शन दिया हुआ विद्युत वाहक बल से अधिक, बी विद्युत वाहक बल से दोगुना, सी विद्युत वाहक बल से कम, या इनमें से कोई नहीं। तो 8 नंबर का हो जाएगा विद्युत वाहक बल से कम होता है, सी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद 19 नंबर में, एक अवतल दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के ठीक मध्य स्थित बिंब के लिए आवर्धन होगा, इसका क्या हो जाएगा? 19 नंबर का ऑप्शन दिया हुआ ए
बी में दिया हुआ है 2, सी में दिया हुआ है हाफ यानी आधा, 1/2, और डी इनमें से कोई नहीं। तो ये न्यूमेरिकल में बनेगा, और अगर देख लीजिएगा सी का ए हो जाएगा, 1 होता है। उसके बाद 20 नंबर, जीवाश्म ईंधन के जलने से किन के ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन ए है सल्फर, बी कार्बन, सी नाइट्रोजन, डी इनमें से सभी। तो जब भी जीवाश्म ईंधन मतलब पेट्रोल डीजल जो भी होते हैं वो सब जीवाश्म ईंधन है, ये सब जब भी जलते हैं तो पोल्यूशन होते हैं। पोल्यूशन में क्या होता है, मुख्यतः सल्फर होता है, कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है, वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? वैद्युत प्रतिरोधक एसआई मात्रक क्या है? तो हो जाएगा ऑप्शन ए है ओम मीटर, बी है ओम, सी ओम बटे मीटर, डी है वोल्ट बटे मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, ओम बटे मीटर ये हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है 22 नंबर, चुंबकीय फ्लक्स में परावर्तन की दर का एसआई मात्रक है? नंबर ए दिया हुआ है वाट, नंबर बी दिया हुआ है जूल, नंबर सी वेबर, नंबर डी वोल्ट। इसका एसआई मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक जो होता है 22 नंबर का हो जाएगा वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वेबर। 23 नंबर में है, सामांग्य माध्यम से प्रकाश गमन करता है किसमें? वक्र रेखा में, वृत्त में, अनिश्चित तरीके से, या सरल रेखा में? सामांग्य माध्यम में जब भी प्रकाश गमन करेगा वो हमेशा सरल रेखा में करेगा, स्ट्रेट लाइन में। नेक्स्ट है, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरे तो इनका नहीं होगा, क्या नहीं होगा? वर्ण विक्षेपण, विचलन, अपवर्तन, या इनमें से कोई नहीं। इस तरह का क्वेश्चन पहले भी आया है, हुआ है इसी में। तो इसका हो जाएगा क्या नहीं होगा, इनमें से अपवर्तन होगा, विचलन होगा, इनमें से क्या नहीं होगा? ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, विचलन नहीं होगा। उसके बाद प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होते हैं कितना? ऑप्शन ए दिया हुआ 1.6 × 10⁻²⁰ कूलम, या ऑप्शन बी 1.6 × 10⁻¹⁸ कूलम। उसके बाद ऑप्शन सी है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, या ऑप्शन डी है 1.6 × 10⁻¹⁷ कूलम। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम हो जाएगा। ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक का जो ऋणात्मक यानी कि इलेक्ट्रिक का नेगेटिव चार्ज जो होता है, ये हो जाएगा सी नंबर आंसर। उसके बाद एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो घोल का पीएच क्या हो सकता है? इसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद नेक्स्ट है, लोहे की परमाणु संख्या, ये सबसे आसान है, लोहे की परमाणु संख्या कितना है? ऑप्शन ए में दिया हुआ ए में 23, बी में 26, डी ए सी में 25, और डी में 24। लोहा यानी फेरस, इसको बोलते हैं Fe, इसका लोहा का जो है आयरन का सूत्र है Fe दिया हुआ। इसका परमाणु संख्या पूछ रहा है, तो सबसे आसान है इसका, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 26 है। उसके बाद नेक्स्ट है, सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? सल्फर का जो परमाणु बाह्यतम कक्षा है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा? इसका ऑप्शन है पहला दिया हुआ है 4, बी दिया हुआ 5, सी में दिया हुआ 6, डी में दिया हुआ 7। इसका बाह्य कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सी हो जाएगा आंसर। 20 नंबर, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका ऑप्शन दिया हुआ नंबर ए जस्तीकरण, बी एनोडीकरण, सी समृद्धिकरण, डी इनमें से कोई नहीं। सबसे सिंपल है एनोडीकरण है, क्या कहलाता है? एनोडीकरण। एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की जो परत चढ़ाई जाती है उसे एनोडीकरण कहते हैं। नंबर 30 नंबर क्वेश्चन में है, कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? ऑप्शन ए CH4 यानी मिथेन, C2H6, ऑप्शन सी C2H4, ऑप्शन डी C3H8। तो इसका सबसे ज़्यादा जो अभिक्रियाशील है वो मिथेन गैस होते हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा CH4। नेक्स्ट है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर जो होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका जो कैल्शियम ऑक्सी
क्लोराइड, ये हो जाएगा बी नंबर में। उसके बाद बत्तीस नंबर, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? उत्पाद, अभिकारक, उत्पाद या अभिकारक दोनों, या इनमें से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये अभिकारक। ठीक, 33 नंबर क्वेश्चन में है, टूथपेस्ट होता है, टूथपेस्ट क्या होता है? क्षारीय होता है, एसिडिक, ये बेसिक होता है, इसको क्षारीय बोलते हैं, एसिडिक यानी अम्लीय होता है, उदासीन होता है, न्यूट्रल जिसको बोलते हैं, या इनमें से सभी क्या होते हैं? तो टूथपेस्ट जो होता है वो होता है उदासीन, ये क्षारीय होता है जिसको बेसिक बोलते हैं, बेस वाला गुण होता है उसमें, तो ये क्षारीय होता है टूथपेस्ट। 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन कार्बोक्सिलिक समूह है? कार्बोक्सिलिक समूह, तो ऑप्शन ए बी सी डी, इनमें से कार्बोक्सिलिक समूह है ऑप्शन नंबर इसका है बी हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में किसके कारण अम्लीय वर्षा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, या सल्फर डाइऑक्साइड, या क्लोराइड के कारण, किसके कारण होता है अम्लीय वर्षा? तो इसका हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है अम्लीय वर्षा। निकेल की परमाणु संख्या, ये सबसे आसान है, द एटॉमिक नंबर ऑफ निकेल इज कितना है? नंबर ए 27, नंबर बी 28, नंबर सी 29, नंबर डी 30। निकेल का जो परमाणु संख्या है वो है 28 है, निकेल का परमाणु संख्या 28 है। उसके बाद 37 नंबर, एक जांच प्रणाली में दिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया, आधे घंटे बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है, उससे जांच प्रणाली में विलयन था, कौन सा विलयन था? तो ऑप्शन दिया हुआ है ZnSO4, जिंक सल्फेट, बी में है कॉपर सल्फेट CuSO4, सी में है फेरस सल्फेट FeSO4, या डी में है एल्यूमिनियम सल्फेट, तो Al2SO4 3। इनमें से कौन सा सल्फेट था, उसमें से कौन सा था? तो इसमें कॉपर सल्फेट था, बी हो जाएगा। उसके बाद एथेनॉल का सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नांकित में कौन सी गैस बनती है? C2H4, C2H6, बी दिया हुआ CH4, सी दिया हुआ C2SH4, डी दिया हुआ C2H4। इनमें से 38 नंबर का हो जाएगा ए नंबर C2H4, ये हो जाएगा। उसके बाद हीरा निम्नांकित में किस तत्व का अपरूप है? हीरा जो है डायमंड जिसको बोलते हैं, डायमंड इज एन एलोट्रोप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, ये क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं एग्जाम में, तो ये किसका अपरूप है? गंधक का, फॉस्फोरस का, सिलिकॉन का, या कार्बन का? हीरा जो है वो कोयले के खदान में पाया जाता है ज़्यादातर, तो ये हो जाएगा कार्बन का अपरूप, डी हो जाएगा। उसके बाद एक ग्राम सोने में 40 नंबर क्वेश्चन है, 1 ग्राम सोने में कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? ऑप्शन ए 2 मीटर, ऑप्शन बी 5 मीटर, ऑप्शन सी दिया हुआ 0.5 किलोमीटर, ऑप्शन डी 2 किलोमीटर। तो इसमें 1 ग्राम जो सोना का तार, सोना से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। निम्नांकित में यौगिकों में कौन जल में विलय है? तो 41 नंबर जो है बेंजीन है, मीथेन है, ग्लूकोज है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसका हो जाएगा ग्लूकोज जो कि जल में विलय है। उसके बाद निम्नांकित में कौन अमलगम है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमलगम? ऑप्शन ए दिया हुआ CuZnPbSn, या ऑप्शन सी है CuSn, ऑप्शन डी है NaSg। तो अमलगम जो है वो है कौन? NaSg। नेक्स्ट है एथिलीन का IUPAC नेम क्या है? इथेन है, इथिन है, इथाइन है, या इनमें से कोई नहीं? द नेम ऑफ द IUPAC नेम ऑफ इथिलीन इज क्या हो जाएगा? इथेन, इथेन, इथाइन, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो है इथिन है IUPAC नेम, इथिलीन का IUPAC नेम याद रखना है क्या है? इथिन है। नेक्स्ट है ब्यूटेनॉन का अनुसूत्र C4H8O है, इसका क्रियाशील समूह कौन है? कीटोन, एल्डिहाइड, एल्कोहलिक, या इनमें से कोई नहीं? तो 44 में हो जाएगा इसका कीटोन समूह है।
ब्यूटेनोन का अनुसूत्र जो है वो कीटोनिक क्रिया संशील समूह है। उसके बाद एल्काइन में दो कार्बन परमाणुओं के बीच कितने संयोजक बंधन होते हैं? हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ आर देयर बिटवीन टू कार्बन एटम्स इन एन एल्काइन। तो ऑप्शन दिया हुआ है ए में दो, बी में तीन, सी में दिया हुआ पाँच और डी में दिया हुआ सात। कितने बंधक होते हैं? तीन बंधक होते हैं। उसके बाद सिनेबार किस धातु का अयस्क है? एम जी, ए एल, एफ ई, एच जी। एम जी यानी मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, फेरस यानी आयरन या एच जी दिया हुआ पारा का, तो एच जी मरकरी का दिया हुआ है। उसके बाद सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नांकित में किस विधि द्वारा होता है? द्वरण विधि, निष्तापन विधि, हाथ से चुनकर, फेन उत्प्लावन विधि से। तो हो जाएगा इसका फेन उत्प्लावन विधि से होता है। उसका जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन, ओजोन, ऑक्सीजन या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो होता है हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। निम्नांकित में कौन सा तत्व सबसे अधिक अधात्विक गुण वाला है? सी एल, एन, पी या एस। इनमें से कौन सा तत्व जिसका गुण सबसे अधिक अधातु गुण है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए, क्लोरीन। उसका नीला तोता यानी तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सी यू एस ओ फोर इंटू फाइव एच टू ओ। इसका रासायनिक सूत्र होता है प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत है पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल, विद्युत ऊर्जा, इनमें से सभी। प्रदूषण मुक्त ऊर्जा जैसे कि कोयला जलाने से प्रदूषण होता है, तो प्रदूषण वो ऊर्जा का क्या हो जाएगा? प्रदूषण युक्त हो जाएगा। यहाँ मुक्त है तो पवन ऊर्जा से क्या होता है? प्रदूषण नहीं होता। सौर ऊर्जा से भी प्रदूषण नहीं होता है और जल विद्युत ऊर्जा से भी प्रदूषण नहीं होता। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही। प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत है पवन ऊर्जा भी है, सौर ऊर्जा भी है, जल विद्युत ऊर्जा भी है। निम्नांकित में किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु के बीच तीन आबंध होता है? C3H8, बी दिया हुआ C3H4, सी दिया हुआ C2H6, डी दिया हुआ CH4। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी C3H4। उसके बाद दिया हुआ है निम्नांकित में कौन सा यौगिक एरोमेटिक यौगिक है? ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी प्रोपेन, ऑप्शन सी ब्यूटेन, ऑप्शन सी डी बेंजीन। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बेंजीन। क्वेश्चन नंबर 54 में उच्च वसी अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं अपमार्जक, साबुन, प्लास्टिक या रबर। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी साबुन कहलाते हैं। एक कक्षा में ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है एन टू एन वाई एन स्क्वायर वाई टू टू एन स्क्वायर या एन स्क्वायर प्लस वन होते हैं। तो इसका हो जाएगा टू एन स्क्वायर होता है। एक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होता है टू एन स्क्वायर। उसके बाद साइटोन का आकार होता है ताराकार, गोलाकार, त्रिभुजाकार या इनमें से कोई नहीं। द शेप ऑफ साइटन इज स्टार लाइक, सर्कुलर, ट्रायंगुलर या नन ऑफ दीज। इनमें से हो जाएगा इसका गोलाकार होता है। साइटोन का आकार कैसा होता है? गोलाकार होता है। निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? ऑक्सीटोसिन, एथिलीन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन। इनमें से कौन पादप हार्मोन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाइथो हार्मोन। तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो नेक्स्ट है यूरिया यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करता है? श्वासनलिका, यकृत, वृक्क या फेफड़ा में। तो ऑप्शन नंबर इसका है यकृत में, लीवर में यूरिया प्रवेश करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन से पारिस्थितिक तंत्र जैव घटक हो सकता है? तापमान, कवक, वायु या मृदा। अनुसार नंबर में है कवक इसका क्या है जैव घटक हो सकता है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजक से बनता है क्या? बीज, जायगोट, शुक्राणु या अंडाणु। निषेचन के बाद क्या बनता है? जायगोट बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 61 नंबर पादप अवशिष्ट संचित रहते हैं किसमें? कोशिका रक्त कोशिकीय रक्तिकाओं में, पत्तियों में, छाल में या इनमें से सभी। पादप का जो अवशिष्ट होता है वो क्या होता है? स्टोर होता है किसमें? इन सभी चीज़ों में होता है स्टोर। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सामान्य अनुस्थिलन रक्त दाब होता है कितना? मतलब द नॉर्मल डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज 100
30 mm, 120 mm, 10 mm, 100 mm या 80 mm. डायस्टोलिक होता है, एक होता है सिस्टोलिक, होता है डायस्टोलिक और दूसरा होता है सिस्टोलिक। तो डायस्टोलिक हो जाएगा, डायस्टोलिक मतलब नीचे का न्यूनतम कितना हो सकता है, तो होता है कितना 80/120। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है वो 80/120 होता है, नॉर्मल मतलब नीचे का जो होता है जिसको डायस्टोलिक बोलते हैं वो 80 होता है, और सिस्टोलिक जो होता है वो हाईएस्ट होता है जो, तो 120 होता है। तो नॉर्मल हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी 80 mm। मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद होते हैं कैसे, असमजात, समजात अंग, अवशेषी अंग या इनमें से कोई नहीं, तो होता है इसका असमजात होते हैं, अलग अलग होते हैं, एनालॉगस ऑर्गन होते हैं इसको। पादप एवं फ्लोएम उत्तरदायी है जल संवहन, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है जल संवहन में, एनिमल संवहन में, ऑक्सीजन संवहन में, भोजन संवहन में। पादप ये होता है ये फ्लोएम और दूसरा होता है जाइलम, जाइलम जो है वो जल संवहन करते हैं, तो फ्लोएम क्या हो जाएगा भोजन संवहन करने में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं, 28, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 32, ऑप्शन डी। एक जो होता है हाउ मैनी टीथ और डज एन एडल्ट पर्सन, जो एडल्ट पर्सन होते हैं उसके मुंह में कितने दांत होते हैं, 32, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एंड्रोजन क्या है, नरलिंग हार्मोन है, मादालिंग हार्मोन है, पाचक रस है, इनमें से सभी है। एंड्रोजन क्या है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, मेल सेक्स हार्मोन है एंड्रोजन। उसके बाद नेक्स्ट है, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है कौन सा है, तंत्रिकाक्ष सिरा, तंत्रिकाक्ष डेंड्राइड या कोशिका पिंड है, नर्व एंडिंग एक्सोन, डेंड्राइड या सेल बॉडी है, इनमें से कौन सा है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोशिका पिंड। यहीं से क्या होता है, न्यूरॉन का जो हिस्सा है जिससे जानकारी हासिल होता है। नेक्स्ट है, आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था, हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ हेरिडिटी, इसमें तो ऑप्शन दिया हुआ है लामार्क या चार्ल्स डार्विन या ग्रेगर जॉन मेंडल या इनमें से सभी, तो इसका हो ऑप्शन नंबर सी ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया था, जो हेरिडिटी का थ्योरी था वो दिया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने। उसके बाद उनसे तरह प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया निर्भर करती किस पर, जल पर, सूर्य की रोशनी पर, क्लोरोफिल पर, इनमें से सभी पर, तो हो जाएगा इसका इनमें से सभी पर निर्भर करता है। जल कम रहेगा प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, सूर्य की रोशनी नहीं रहेगा अंधेरा होगा वहाँ प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, क्लोरोफिल नहीं रहेगा वहाँ भी प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, तो इन जो ये तीनों ऑप्शन है इन तीनों ऑप्शन पे क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाश अभिक्रिया है ये सब निर्भर करता है। नेक्स्ट है, गुर्दे में उत्पादित मूत्राशय में जाता है किसके द्वारा, मूत्रमार्ग से, मूत्रवाहिनी से या दोनों से या इनमें से किसी से नहीं, तो ये जाता है मूत्र वाहिनी से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, रक्त क्या है, कोशिका है, पदार्थ है, उत्तक है या इनमें से कोई नहीं है, व्हाट इज ब्लड, ब्लड क्या है, सेल है, मैटर है, टिश्यू है या इनमें से कोई नहीं, तो इसका हो जाएगा रक्त क्या है, एक उत्तक है, रक्त क्या है, टिश्यू है। फूल में नर प्रजनन अंग क्या गलत है, वर्तिकाग्र, अंडाशय या पुकेशन, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन इन फ्लावरिस, स्टाइल, स्टिग्मा, ओवेरी या एंड्रोजियम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एंड्रोजियम, इसको बोलते हैं पुकेशन हिंदी में, ये हो जाएगा। उसके बाद 73 नंबर, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इनके द्वारा लिखा गया था, किसके द्वारा ये लिखा गया था, ग्रेगर जॉन मेंडल, विजमैन, चार्ल्स डार्विन या लामार्क, इसका जो था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इज राइटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया था, ये था चार्ल्स डार्विन के द्वारा, इसको कौन लिखा था, चार्ल्स डार्विन ने लिखा था। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, ग्रास नली, बड़ी आंत, छोटी आंत या अमाशय, द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल इज, ओएसोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन या स्टमक, इसका ऑप्शन नंबर है छोटी आंत, ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत, लिखा हुआ छोटी आंत लेकिन सबसे बड़ा भाग है आहार नाल का, ये हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। निम्न में से, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, गर्भाशय, शुक्लवाहिका, टिम्बाहिनी या अंडाशय,
क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूटेरस, वाज डिफरेंस, ओविडक्ट या ओवेरी। ये जो है 75 नंबर का, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाज डिफरेंस, यानी शुक्रवाहिका जो है वो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, हिस्सा नहीं है। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, ए मक्खी, बी पक्षी, सी मनुष्य, डी इनमें से कोई नहीं। पक्षी जो होता है उनमें हीमोग्लोबिन होते हैं, मनुष्य में भी होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इनमें नहीं होता है। इन विच एनिमल हीमोग्लोबिन इज नॉट फाउंड, फ्लाई, बी दी आर बर्ड्स, सी ह्यूमन, डी नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्लाई में हीमोग्लोबिन नहीं पाए जाते हैं। नंबर से नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन अवधि होती है 2 से 3 महीना, 20 से 30 दिन, सी 4 महीना से अधिक, डी 12 से 20 दिन तक होता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12 से 20 दिन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखी गई थी, ऑप्शन नंबर ए रॉबर्टसन, नंबर बी डार्विन, नंबर सी रॉबर्ट हुक, नंबर डी ब्राउन। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखा गया था द माइक्रोग्राफिया। उसके बाद नेक्स्ट है, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है, उत्तक विज्ञान, कोशिका विज्ञान, अनुवंशिक विज्ञान या साइटोजेनेटिक्स। क्या कहलाता है, व्हाट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल, साइटोलॉजी, ऑप्शन बी हिस्टोलॉजी, नंबर सी जेनेटिक्स, नंबर डी साइटोजेनेटिक्स। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोशिका विज्ञान। जब भी कोशिका के बारे में पढ़ा जाता है तो वो कोशिका विज्ञान के अंदर ही पढ़ा जाता है, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे तो साइटोलॉजी बोलते हैं। अगर उत्तक रहता, उत्तक का अध्ययन करते तो हिस्टोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है, पौधों में जो भोजन होता है जमा वो किस रूप में, इन व्हाट फॉर्म ऑफ फूड स्टोर्ड इन प्लांट, प्लांट में जो भोजन होता है स्टोर हुआ वो किस रूप में होता है। ऑप्शन ए दिया हुआ ग्लूकोज, बी स्टार्च, सी प्रोटीन, डी फैटी एसिड। ये जो होता है पौधों में भोजन जो होता है वो स्टार्च के रूप में जमा होते हैं। तो आज का सेशन यहाँ ही समाप्त हुआ। इनमें से किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।